अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर में है रैली। अर्निया से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है उधमपुर। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली सीमा से सटे पुंछ में, सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। जम्मू के अर्निया में मुठभेड़ जारी, कथार गांव में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सेना ने टैंक से की घेराबंदी, कथार गांव को कराया खाली। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 5 नागरिकों की मौत, 3 जवान भी हुए शहीद। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी हुए ढेर, अब तक नहीं मिली किसी भी आतंकवादी की लाश। कल सुबह सुबह गांव में आतंकी के घुसे होने की मिली थी खबर। टैंक से ध्वस्त किया गया बंकर, आसमान पर मंडरा रहे थे हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच नए सिरे से रिश्ते सुधारने की कोशिश। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्धव को फोन। धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल आज शिवसेना से करेंगे बात। दिल्ली चुनाव के लिए चंदा जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल की डिनर पार्टी। मुंबई में डिनर के लिए 200 लोगों से लिया 20,000 चंदा। आप नेता मयंक गांधी का दावा, पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए रखा है 40 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। डिनर के दौरान कुछ लोगों ने बाहर किया प्रदर्शन, आप नेताओं पर लगाया मौका परस्ती का आरोप। झारखंड में मोदी के बयानों से तिलमिलाए, हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा बाप बेटे की सरकार के खिलाफ मोदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके खुद बेटा नहीं है। उनका पुत्र नहीं है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो गुनाह है क्या? संसद में तृणमूल कांग्रेस का विरोध जारी, आज मटकी के साथ पहुंचे पार्टी सांसद। सरकार पर मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का आरोप। अभी हम लोग सोचते हैं कि मनरेगा जो प्रोग्राम थे वो उसको डिविजन विभाजन करने का एक कोशिश जारी हुआ। इसमें क्या बोलते हैं कि 2500 ब्लॉक को अलग करके उसको उन्होंने कुछ अलग प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर फैसिलिटीज। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दाखिले में दखल ना दे सरकार। अब गांगुली कमेटी के मुताबिक होगी नर्सरी में एडमिशन। दिल्ली के उपराज्यपाल की गाइडलाइंस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये गाइडलाइंस जो हैं इनमें कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है और स्कूल मैनेजमेंट की जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने फैसला दिया है उसके ये बिल्कुल विपरीत है ऑफिस ऑर्डर। इसमें कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है और इसको निरस्त किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी का बीजेपी के प्रस्तावित कार्यक्रम पर एतराज। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की जताई आशंका। बीजेपी एएमयू को जमीन दान करने वाले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की मनाना चाहती है जयंती, विपक्ष भी उतरा विरोध में।
राहुल गांधी ने दिखाए आक्रामक तेवर, दिल्ली के रंगपुरी में बेघर हुए लोगों के बीच पहुंचे राहुल, कहा अब आपके आशियाने को उजाड़ने से पहले मुझ पर चलेगा बुलडोजर। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी, हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा, अगर यह निकलेगा तो मेरे ऊपर से निकलेगा। नई ऊंचाई के साथ खुला बाजार 326 पॉइंट्स के उछाल के साथ 28,765 पर पहुंचा सेंसेक्स। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री निवास का घेराव, नसबंदी कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों में नहीं कटेंगे बिजली बिल के बकायेदारों के कनेक्शन, 10वीं और 12वीं के छात्रों की फीस भी माफ। अभी जेल में ही रहेंगे रामपाल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रामपाल की हुई थी पेशी, अगली सुनवाई 23 दिसंबर को। एमिकस क्यूरी ने की रामपाल की सुनवाई हरियाणा से बाहर करने की मांग, हरियाणा में रामपाल के काफी समर्थक। सूरत जेल में नारायण साईं से पूछताछ, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सूरत में 8 करोड़ की बरामदगी के संबंध में की पूछताछ, ईडी को हवाला लेन देन का शक। रेप केस में फंसे नित्यानंद की पोटेंसी टेस्ट रिपोर्ट सीआईडी ने कोर्ट में की पेश, नित्यानंद को बताया नपुंसक। नित्यानंद पर रामनगरम की अदालत में आईपीसी की धारा 376 और 377 एक्ट के तहत चल रहा है केस। दिल्ली के सुभाष नगर में मालकिन की पिटाई से नौकरानी की मौत, घटना के बाद से मालकिन फरार। दिल्ली के सरिता विहार में लड़की ने दोस्त पर लगाया रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती, शादी के लिए दबाव डालने पर आरोपी हुआ फरार। गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू की मौत मामले में मथुरा पुलिस ने भेजा नोटिस, संकल्प के संस्थान के लोगों से होगी पूछताछ। यूपी के रामपुर में दो महिलाओं ने कंप्यूटर की दुकान पर की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीरें, एक ही गैंग के दो महिला और पुरुष पहुंचे थे चोरी करने, पुरुषों ने दुकानदार को उलझाया, महिलाओं ने लैपटॉप और पेन ड्राइव उड़ाया। लालू और मुलायम बनेंगे समधी, आरजेडी अध्यक्ष की बेटी राजलक्ष्मी का रिश्ता हुआ मुलायम के पोते तेज प्रताप से तय, मैनपुरी से सांसद हैं तेज प्रताप। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए पिता हरिवंश राय बच्चन के जन्म दिवस पर दी श्रद्धांजलि, लिखा अपनी तरह के अनोखे प्रतिभावान थे पिता। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एयर इंडिया ने भारी डिस्काउंट का किया ऐलान, 20,000 में मिलेगा बैंकॉक सिंगापुर का टिकट, 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक मिलेंगे डिस्काउंट वाले टिकट, 15 नवंबर 2015 तक का ले सकते हैं टिकट। अपने खोए मोबाइल की लोकेशन जान सकते हैं ग्राहक, बीएसएनएल ने मोबाइल सिक्योरिटी सिस्टम किया लॉन्च। होंडा ने उतारी टूरिंग बाइक गोल्डविंग जीएल 1800, दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 31.5 लाख रुपए। गोवा में टूरिस्ट के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा की तैयारी शुरू, ये सुविधा देने वाले देश के 9 एयरपोर्ट्स में एक है गोवा का डाबलिम एयरपोर्ट। ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर पेले की तबियत बिगड़ी, साओ पाउलो में स्पेशल केयर यूनिट में किए गए शिफ्ट, 74 साल के पेले को 3 दिन पहले अस्पताल में किया गया था भर्ती। काबुल में ब्रिटिश एम्बेसी की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 की मौत 33 घायल। अर्जेंटीना में भी काले धन पर मचा हल्ला, अर्जेंटीना ने एचएसबीसी पर 4,000 नागरिकों के काले धन छुपाने का लगाया आरोप, पिछले हफ्ते बेल्जियम ने भी एचएसबीसी पर कर चोरी और हवाला कारोबार का लगाया था आरोप।
12 साल के छात्र के एनकाउंटर पर न्यूयॉर्क में अश्वेतों का प्रदर्शन, पुलिस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाने से नाराज है प्रदर्शनकारी।